पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने बुधवार को दिल्ली में खेली जा रहे अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी मैच में दिल्ली के खिलाफ 5 विकेट चटकाए। मुंबई की ओर से खेल रहे अर्जुन तेंदुलकर ने 98 रन देकर 5 विकेट चटकाए। अर्जुन के इस प्रदर्शन की बदौलत दिल्ली की टीम ने फिरोज शाह कोटला मैदान पर मैच के तीसरे दिन स्टंप तक पहली पारी में 9 विकेट पर 394 बनाए। मुंबई ने सलामी बल्लेबाज दिव्यांश के दोहरे शतक की बदौलत पहले बल्लेबाजी करते हुए 453 रन बनाए। दिल्ली की टीम अब भी मुंबई से 59 रन से पिछड़ रही है। अर्जुन ने विरोधी कप्तान आयुष बड़ोनी, वैभव कांडपाल, विकेटकीपर गुलजार सिंह संधू, ऋतिक शौकीन और प्रशांत कुमार भाटी को पवेलियन भेजा। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो सचिन तेंदुलकर भी बुधवार को दिल्ली में थे और वो मुंबई दिल्ली के बीच चल रहे दूसरे दिन का खेल देखने आने वाले थे, लेकिन वो किसी कारण की वजह से स्टेडियम नहीं पहुंच पाए। बता दें कि अर्जुन को एक अच्छा ऑलराउंडर माना जाता है। वो हाल ही में अंडर 19 टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर भी गए थे, लेकिन उनका प्रदर्शन इतना खास नहीं रहा था। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।